हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशांत। आज देख रहे हैं टेक्टिक मलिक। बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Xiaomi 11T Pro 5G के बारे में। तो बात करते हैं हम Xiaomi 11T Pro 5G के बारे में। तो इसमें आपको तीन वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। बेस वेरियंट है आपका 8GB रैम 128GB इंटरनल, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है 8GB रैम 256GB इंटरनल। सबसे टॉप मोस्ट वाला आपको देखने को मिलता है 12GB रैम 256GB इंटरनल। और बात करते हैं हम करप्शन की, तो इसमें आपको ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ये तीनों ही कलर आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी बैक की, तो इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है, और इसमें आपको थोड़ी शाइनी फिनिशिंग देखने को मिलती है कि इस फोन को अभी तक बढ़िया देखने को मिल जाता है। और इसके कॉर्नर अगर हम बात करें, इसमें आपको राउंड कॉर्नर देखने को मिल जाते हैं। फ्रेम की तरफ अगर हम देखें तो इसमें आपको एल्युमिनियम के फ्रेम देखने को मिल जाते हैं, जो काफी सही रहता है, प्लास्टिक के नहीं, अच्छी बात है वो। और अगर बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अगर आपका फोन गिरे तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। और इसमें आपको IP53 रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट मतलब आपको देखने को मिल जाता है। अगर पॉट वगैरह और स्प्रिंकलर वगैरह करें तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर वेट की तरफ देखें तो इसमें आपको 206 ग्राम का इसका वेट है। और थिकनेस की अगर हम बात करें, इसमें आपको 8.8 mm की थिकनेस पर आपको फोन देखने को मिल जाता है। मतलब कि ग्लास बैक होने के बावजूद भी ये फोन ना आपको ज्यादा काफी ज्यादा भारी देखने को मिलता है, ना आपको बहुत ज्यादा स्लिम देखने को मिलता है। कुल मिला के फोन की बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो बैक है, काफी ज्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं फोन की सिम ट्रे की, इसमें आपको दो नैनो सिम कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। खैर अच्छी बात है कि इसमें आपको बेस वेरिएंट में 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इस पे बाकी चीजों की, जिसमें आपको बॉक्स के अंदर आपको कवर देखने को मिलेगा, साथ ही इसमें आपको 3.5 जाएगा और टाइप सी वाला कनेक्टर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस फोन में आपको 3.5 देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं लोग क्या दिक्कत है 3.5 जैक से, वो दे हर कोई दे तो अच्छा रहता है, पता नहीं क्या कह रहे हैं ब्रांड आजकल उसको हटा रहे हैं, खैर क्या ही कह सकते हैं। और आगे बात करते हैं, उसमें आपको तीन माइक्रोफोन भी देने को मिल जाते हैं, जो कि ऑडियो नॉइस कैंसलिंग के लिए होती है, और जब वीडियो कॉल शूट में काफी ज्यादा पढ़िया वो वर्क करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि स्पीकर की, तो इसमें आपको 2 स्टीरियो स्पीकर पावर बाय हार्मन कार्डन देने को मिल जाते हैं, जो काफी ज्यादा अच्छी और HD क्वालिटी, इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी देने को मिल जाती है। और इसमें आपको अगर बात करते हैं बायोमेट्रिक्स की, तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों चीजें लिटरली काफी ज्यादा फास्ट और काफी तेज वर्क करते हैं। तो बात करते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर की, इसमें आपको MIUI 12.5 देखने को मिल जाता है, और ये एंड्रॉइड 11 में रन करता है। वैसे काफी तो सही हुआ है आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपका लेटेस्ट MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 आप देते तो उसमें और भी बढ़िया रहता है। ये भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है, काफी स्मूथ है, कस्टमाइजेशन पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे, अच्छी खासी थीम वर्क पर और हैप्पीनेस वगैरह काफी बढ़िया ही आपको शाउमी में देखने को मिल जाते हैं। वैसे इसमें भी आपको वैसे ही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें आपको क्या कहते हैं, इसमें आपको अच्छे खासे आपको ईयर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब इसमें 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का इसमें आपको सिक्योरिटी पैच वाला भी अपडेट इनको मिल जाएगा, जो कि आप तक बढ़िया रहता है और अच्छी बात है इन लोगों ने बता दिया है। अगर हम बात करते हैं रैम और स्टोरेज टाइप की, तो इसमें आपको LPDDR आपको 5 रैम इनको मिल जाती है, स्टोरेज आपको UFS 3.1 इनको मिलता है। बात करते हैं सोनी कनेक्टिविटी की, तो इस फोन में ब्लूटूथ 5.2 वाईफाई 6 डुअल बैंड वाईफाई डुअल 4G बोर्ड, और इस फोन में आपको NFC और सारे कनेक्टिविटी फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फोन आपका 5G भी है, अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 13 आपको 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो फीचर है 5G का, तो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसमें आपको वाइड बैंड 11 और कैमरा 2 MP का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.67 इंच की फुल एचडी AMOLED आपको डिस्प्ले को मिल जाती है, बहुत कमाल की इसमें आपको डिस्प्ले को मिलती है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को मिलता है, और इसमें आपको 480 हर्ट्ज का टचिंग सैंपलिंग रिफ्रेश रेट को मिल जाता है, जिससे जो इसकी डिस्प्ले काफी देर रिस्पॉन्सिव काफी देर स्मूथ ऑन भी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको LG 10+ डॉल विजन सारी आपको बढ़िया अच्छी आपको फीचर्स में देने को मिल जाएंगे, और इसमें गोल्डन विक्टर्स को मिल जाती है बैक फ्रंट दोनों में। तो अगर आपका फोन गिर तो चार तरफ फोन भी है, और फ्रेम भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आपको डॉल्बी विजन जैसे मैंने कहा तो वो देखने को मिलता ही है। और इसमें आपको सेंट्रल पंच होल वाला आपको पैनल यूज करा गया है इसमें, तो उसको सेल्फी कैमरा काफी तक छोटा देखने को मिल जाता है, तो इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी काफी आपको बढ़िया देने को मिल जाती है। तो बात करते हैं उनके प्रोसेसर की, इसमें आपको पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देने को मिल जाता है, ये आपका 5nm है, और ये 5G वाला प्रोसेसर काफी ज्यादा आपको कमाल का ही आपको प्रोसेसर देने को मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें डे टू डे पे, तो वहां पे हेवी टास्क करने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मल्टी टास्क करने काफी बढ़िया रन करता है। अगर हम बात करते इसमें गेमिंग की, इसमें हीटिंग इशू होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई, तो मैंने आपको OnePlus 9 ये पहले रख के आया था, उसमें कितना एक्सेसिव
हीट करता है, आप इसको 15 मिनट आप गेम खेलिए, 15 मिनट आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए या कैमरा खोल लीजिए, तो वहां पे आपको एक्सेसिव हीटिंग देने को मिल जाएगी। वहां पे अलर्ट भी आ जाएगा कि आप फोन को थोड़ी देर रख दीजिए, फोन हीट हो रहा है, कैमरा बंद कर दीजिए। वैसे इसमें आपको देखने को नहीं मिल रही है कि उसमें पूरी टेक्नोलॉजी देने को मिल जाती है। और अगर इसमें आप गेम खेलेंगे हाई सेटिंग में, कोई भी गेम खेल लीजिए, बिना कोई लैग के बिना कोई फ्रेंड के, बहुत बढ़िया रन करता है। अगर बात करते इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देने को मिल जाती है और 120 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग वाला अडेप्टर देने को मिलता है, जिससे आपको 70 से 80 रुपये उसको अपने फोन को बहुत जल्दी रिचार्ज कर पाएंगे। तो बात करते हैं उसमें कैमरे की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देने को मिल जाता है। प्राइमरी से आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर 5 मेगापिक्सल आपको मैक्रो देने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इस फोन से 8K में वीडियो को कर पाएंगे, उसके बाद 4K 60fps 30fps में EIS वीडियो को कर पाएंगे। उसमें आपको पोर्ट्रेट, नाइट मोड हो गया, स्लोमो हो गया, और उसमें आपको बैक में और भी आपको अच्छे खासे और भी फीचर आपको AI के देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं हम सेल्फी की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देने को मिल जाती है। यहाँ पे आप फुल HD में वीडियो कर पाएंगे, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट, ब्यूटी और यहाँ पे और भी ऐसे AI के फीचर बैक फ्रंट दोनों में देने को मिल जाते हैं। अगर हम पर्टिकुलर कैमरे की बात करें, तो इसमें आप फोटो वीडियो अच्छी क्वालिटी का इसमें शूट कर पाएंगे। इसमें आपको शार्प डिटेलिंग और इसके सेल्फी में डायनेमिक रेंज होती है, काफी अच्छी आपको देने को मिल जाती है। तो बात करते हैं उसकी प्राइस की, इसमें आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा 40,000 रुपीज का, और इसकी जो प्राइस निकल के आई है 8GB रैम 256GB इंटरनल की, वो आपको इंडिया में देने को मिल जाएगा 42,000 रुपीज का। प्राइस के हिसाब से देखा हो तो ये काफी आपको बढ़िया देने को मिल जाता है, लेकिन इसको एक चीज की शिकायत है कि जैसे कि अभी आपको मैंने इसके पहले एक और वीडियो डाली, अगर उन्होंने उस पर देखा होगा, एक फोन आया है उसकी प्राइस काफी आपको अच्छी देने को मिल जाती है, ऐसी आपको उसकी प्राइस देने को मिलती है, लेकिन जो आपको लेटेस्ट आपको सॉफ्टवेयर देने को मिलता है शाओमी का, वो भी फोन है, लेकिन ये कि उसमें आपको MIUI 13 जिनको मिलता है, लेटेस्ट Android 12 पे रन करता है, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी इसमें हर चीज़ आपको बढ़िया जिनको मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें 120Hz का एमोलेड आपको पैनल देने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें 108 मेगापिक्सल कैमरा देने को मिल जाता है, और इसमें आपको हावन गार्डन के ऑडियो क्वालिटी आपको देने को मिल जाती है, चिपसेट आपको पावरफुल देने को मिल जाती है, कुल मिला के फोन और कैमरा वगैरह हर चीज़ आपको बढ़िया देने को मिल जाती है। तो अगर आपका मन है आप उसको लेना चाहते हैं, उस फोन को मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है, उसको जरूर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।